और सीधा आपको सीएम योगी के जनता दर्शन की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि सीएम योगी जनता दर्शन करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से तमाम जो महिलाएं हैं अपनी दिक्कतें सीएम योगी को बताते हुए, बकायदा हाथ में उनके वो पर्ची जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं को लिखा हुआ है, बताया हुआ क्या दिक्कत है, और अधिकारी भी आपको नजर आ रहे हैं। तुरंत समस्याओं का निपटारा किया जाए, समाधान उनका किया जाए, इस बात का खास ध्यान सीएम योगी रखते हैं। दिशा निर्देश देते हुए अधिकारियों को नजर वो आते हैं। आप देखिए सुबह सुबह का समय, पीछे तो बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जो बैठकर इंतजार अपना कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और इसीलिए सीएम योगी सबसे पहले महिलाओं की ही दिक्कतों को सुनते हैं, उनकी जो भी परेशानी होती है उनका हल, उनका निवारण जल्द से जल्द उनको दिया जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, लाइव जनता दर्शन सीएम योगी हर हफ्ते यूँ कह लीजिए कि लगाते हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर की जनता को कोई भी दिक्कत ना हो, गोरखपुर की जनता की हर समस्या का समाधान हो। ये देखिए कितनी भीड़ में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, भारी भीड़ लोगों की नज़र आ रही है, और उनको ये पूरा विश्वास है, आश्वासन है कि अगर वो सीएम योगी के दरबार में जाएंगे, जनता दर्शन में जाएंगे, तो उनकी जो समस्या है जिसका निपटारा नहीं हो रहा है उसका तुरंत निपटारा होगा, उसका निवारण होगा, उनकी दिक्कतें खत्म होंगी। और ये देखिए कुछ बच्चे भी गए हैं, ये देखिए महिलाओं के साथ सीएम योगी जिस तरीके से बात करते हैं हमेशा से, खास तौर पर एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमने देखा है कि जनता को ये पूरा विश्वास रहता है कि अगर हम सीएम योगी के जनता दर्शन में गए तो हमारी जो भी परेशानियां हैं उनका हल निकल आएगा और उनका निपटारा जल्द होगा। इसीलिए सुबह सुबह का वक्त हो, चाहे सर्दी का सतम हो, चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, यहाँ पर पहुँचने की कोशिश महिलाओं की ख़ास तौर पर रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम योगी जब आदि आबादी की बात करते हैं, जब नारी शक्ति की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनको बकायदा तवज्जो भी दी जाती है, उनकी हर बात को सुना जाता है, कोई परेशानी उनको ना हो। और ये देखिए कितनी गहनता के साथ सीएम योगी बकायदा खुद वो जो पर्ची है हाथ में, जो लेटर्स है उनको पढ़ रहे हैं, और लगातार जो अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं उनको दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं, और बातचीत भी कर रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आपकी जो भी समस्या उसका हल हम जल्द से जल्द कर लेंगे, यानी कि जनता दर्शन। और इसी तर्ज पर अब अगर आप बाकी राज्यों की बात करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की आप बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी इसी तरीके से जनता दर्शन लगाया जाता है, ताकि जनता के साथ रूबरू डायरेक्ट ज़मीनी स्तर पर उनसे बात हो और वो समझे हैं कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको हमने चुना है, कोई VIP। लेकिन प्रीति मुझे लगता है कि इतना एक्टिवली शायद ही कोई मुख्यमंत्री है जो हर हफ्ते हर महीने में इतनी दफा अपनी जनता के साथ में अपने गृह जनपद में जाकर इतने तो सारे लोगों को लोकप्रियता, इसीलिए शायद बिल्कुल की इतनी, और अभी हम तो दिखा भी रहे हैं 7.4 मिलियन फॉलोवर्स है, क्योंकि नंबर वन मुख्यमंत्री बन गए हैं देश के, जिनको इतना फॉलो किया जाता है। और मुझे लगता है इसके पीछे का रीजन यही है कि वो जनता दर्शन लगाते हैं ना, जनता के बीच जाते हैं। देखिए आज तक बुलडोजर फॉर्मूला सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट रहा। हाँ, और क्योंकि हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अतिक्रमण नहीं चलेगा, चलिया तो फिर बुलडोजर चलेगा। और लॉ एंड ऑर्डर में भी काफी ज्यादा सुधार आया है आयुषी। बिल्कुल।